Om Shanti. कुछ दिनों से जिंदगी क्यों मुझे पहचानती नहीं, देखती है यूं मुझे, ये मुझे जैसे जानती नहीं। अगर हंसता है जो मुझ पर तो हंसता रहे ये जमाना, ऐसी बेवकूफियों को मैं बुरा मानती नहीं। बेवफा जो राह में जो टकरा गया फिर कहीं, उसको साफ कह दूंगी मैं तुम्हें पहचानती नहीं। कुछ दिनों से जिंदगी क्यों मुझे पहचानती नहीं, देखती है यूं मुझे, ये मुझे जैसे जानती नहीं। जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति स्वयं की पहचान को जानना, स्वयं के खोए हुए अस्तित्व को फिर से ढूंढ लेना। संसार में वर्तमान समय एक सबसे बड़ा क्राइसिस है, जिस क्राइसिस को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, खुद को भूलना, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। वो स्वयं को नहीं जानता और स्वयं के अतिरिक्त मनुष्य सब कुछ जानता है। इसे कहा जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। सामने सामने आ जाओ, पहचान, स्वयं की पहचान, स्वयं के अस्तित्व की वास्तविकता की पहचान, जो कल भी हमने चर्चा की थी। मैं कौन, दिस इज द फर्स्ट कनंड्रम। ये सबसे पहली पहेली है, ये पहला रहस्य है, द फर्स्ट एनिग्मा। और इस गांठ को सुलझाना, ये सबसे पहली और अंतिम मुक्ति भी है, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि इस यज्ञ ने हमें क्या दिया, तो क्या उत्तर होगा? सब कुछ उत्तर छोड़ के, इस यज्ञ ने हमें क्या दिया? पवित्र बनाया, सारे कल्प की श्रेष्ठ प्राप्ति, खोज, और ये कौन है ये बताया, स्मृति, और क्या दिया हमको, हमसे मिला दिया, हमको भगवान से मिला दिया, और इस यज्ञ ने हमें क्या दिया। वन वर्ड आंसर, कलम, भाग्य को लिखने की कलम, और स्वयं की पहचान। हमें क्या दी? पहचान दी। वन वर्ड आंसर, हमें पहचान ही खो गई थी। इस यज्ञ ने हमें क्या दिया? एक पहचान दी। हम क्या थे और कहाँ थे और कहाँ भटक रहे थे, कोई पहचान नहीं थी, इसने एक पहचान दी, एक आइडेंटिटी दी, एक नाम दिया, आधार कार्ड दिया,
उद्धार कार्ड, आधार कार्ड, एक संबल कार्ड, एक मुक्ति का कार्ड, नहीं तो भटक रहे थे। द कार्ड ऑफ लिबर्टी, हमें पहचान दी, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। हम सब जानते थे खुद को छोड़कर खुद को जानना, और फिर उसको जानना, जिसको जानने के बाद इस संसार में और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, उसको पाकर और किसी को पाना बाकी नहीं रह जाता, उसमें सब कुछ है। आज ये दो मुरलियां है और दोनों ही मुरलियां सेल्फ आइडेंटिटी पर है, आईडी कार्ड पर है। ऑल अबाउट मी। स्कूल में बच्चों को इस तरह से चार्ट दिए जाते हैं ऑल अबाउट मी के, जिसमें सब कुछ लिखना होता है, जैसे कि अपनी तस्वीर लगाओ वहां पर एक, माय फेवरेट कलर इज, फिर अपना कलर लिखो कौन सा फेवरेट है, माय फेवरेट बुक इज, फिर माय फेवरेट टेलीविजन शो इज, माय फेवरेट फूड इज, माय बर्थडे इज, माय नेम इज, और इसको बहुत वैरायटी से अलग अलग तरीके से बताया जाता है ऑल अबाउट मी, ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े। वेयर आई लिव, रादर देन अपने बारे में लिखो कहने से ऐसा उनको चार्ट दिया जाता है, एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट, जिसमें बहुत सारे बहुत सारी चीजें, हेलो माय नेम इज, एज, नीचे केक है और वहां लिखा है एज कितनी है, माय फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स के नाम, आई लव, ये हार्ट का सिंबल, वहां मुझे क्या प्रिय है, कहां मैं रहता हूं, माय फेवरेट फूड, एक डिश है और दो चम्मच, माय फेवरेट एनिमल, माय हाइट, हाइट लिखा है, माय फेवरेट कलर, ऑल अबाउट मी, ये एक दूसरी, अलग 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 तरीके से इसे सिखाया जाता है। ऑल अबाउट मी इसमें और ज्यादा, माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट फूड, सब्जेक्ट टॉय, एनिमल, कैंडी, एक्टिविटी, प्लेस, बुक, टीवी शो, मूवी, आई एम गुड एट, आई वांट टू लर्न, लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, इफ आई कुड मेक वन विश आई वुड बी, ऑल अबाउट मी, ये अलग अलग पिक्चर्स है ऑल अबाउट मी के, माय कंट्री, मूड, हॉबी, हॉलिडे, जॉब, फन फैक्ट्स, ऑल अबाउट मी, गोल्स, टू बी रिच, टू बी हैप्पी, टू बी काइंड, माय टॉप लिस्ट, कलरफुल, नेचर, तो इसको कहा जाता है ऑल अबाउट मी। तो आज की मुरली हम इस टेक्निक से रिवाइज करेंगे, ऑल अबाउट मी। मुरली छोटी है, 21473 की। किससे मुलाकात है ये? मधुबन निवासियों से मुलाकात। इन हर टेक्निक को अलग अलग तरीके से यूज करते रहना है, और जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं सिमरन क्रांति से, फरवरी से, जो सबसे पहली भट्टी थी और जिसमें सारी टेक्निक्स की चर्चा हुई थी, कम से कम 30 से 40 अलग अलग टेक्निक्स,
यह इन सभी भट्टियों की वो भट्टी आधार स्तंभ है जो 1 फरवरी से लेकर तो 21 फरवरी तक चली थी, सिमरन क्रांति। भट्टी की शुरुआत हमने साकार मूल्यों से की थी। साकार मूल्यों का अध्ययन कैसे करें, क्योंकि यदि मूल्यां ही जीवन है और मूल्यां ही जीवन का प्रकाश है तो उन्हें किस तरह से स्टडी करना, ये समझना, उसमें क्रिएटिविटी लाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वही मुरली, वही महावाक्य, वही प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन और जैसे थे, कोई अंतर नहीं। मुरलियों ने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो चीज बार 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 सुनी जाती है उसका प्रभाव होना बंद हो जाता है। एक ही चीज कितनी बार सुनाओगे राम कथा, और हर राम कथा में लोग सोते क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्या सुनाने वाले हैं। एंड सेम अप्लाइज फॉर मुरली। बाप आए हैं, तुम्हें पतित से पावन बनना है, काम महाशत्रु है, तुम्हें अब घर चलना है, दिव्य गुण धारण करना है, सेवा भी करनी है, योग 8 घंटे का होना चाहिए। ऐसी कौन सी पॉइंट है जो हमें पता नहीं? अवगुणों को छोड़ो, उड़ती कला में चलो, माया से बॉक्सिंग है, माया से लड़ाई है, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है, दिव्य गुण बहुत ज्यादा धारण करने, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको नष्ट मोह बनना है, तुमको स्मृति स्वरूप बनना है, अवगुणों को, 5 विकारों को छोड़ना है, नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया को देखो। और सुनते 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 कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये सारी बातें कई बार सुन चुके हैं, सुन सुन के सुन हो गए हैं। गहरी अच्छी सी नींद आती है। नींद आने के सबसे 2 मुख्य समय हैं, एक अमृत वेला और दूसरी मुरली, जिनकी रात में नींद पूरी नहीं होती वो ये 2 समय पर अपनी नींद की भरपाई करते हैं। जब तक क्रिएटिविटी नहीं, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा सुना रहा हो, दो घंटे मुरली चलाने वाले भी लोग हैं, लोग दुखी भी है। ज्ञान नित नया हो, नवीन हो, ये नूतन क्रांति है, अभिनव क्रांति है, नई क्रांति है, नया दृष्टिकोण, नई मेथड्स। इसलिए कहा कि जो नए नए आए हैं वो एक बार उस सिमरन क्रांति की तरफ जाओ, और उसमें क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आधार पर ये सारा प्रोजेक्ट। टोटल 1066 मुरलियां हमको पढ़नी है। अभी तक कितनी हो गई, कैलकुलेट करो, 200 तो नहीं हुई है, कम हुई है। तो हिम्मत हारनी नहीं है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है और इस साल के अंदर पूरा करना है, और उससे पहले शरीर भी मत छोड़ना, नॉट अलाउड। जब तक ये काम पूरा नहीं होता है वापस मत जाना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम है, रहा हुआ काम है, पेंडिंग वर्क है। क्योंकि ज्ञान में चलते चलते सेवाओं में इतने खो गए हैं हम, कि हर आत्मा के अंदर एक पुरुषार्थ छिपा हुआ है, हर आत्मा के अंदर एक स्टूडेंट छिपा हुआ है जो पढ़ाई करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। तो वो छिपा हुआ पुरुषार्थी, छिपा हुआ तपस्वी भीतर है, जो तप करना चाहता है, महान तपस्वी योगी बनना चाहता है। बाहर का उसे सारा आडंबर लगता है, ढोंग लगता है, फिर भी वो सब में लिप्त है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब करते हुए, सारी सेवाएं करते हुए उसे पता है ये करने मैं नहीं आया था, मुझे कुछ और करना है। और वो और जो है वो है तप, वो है मौन, वो है एकांत, वो है प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति की गोद में जाके बैठना और इस
अंतर जगत की यात्रा करना जो भीतर है। अब तक सारी यात्राएं केवल बाहर चल रही है, अमृत वेले से लेकर रात तक केवल बाह्य मुक्त है, अमृत वेला भी बाह्य मुक्त है, ऊपर आंखें खोल के केवल नजर इधर उधर जा रही है वो बाह्य मुक्त, मुरली में बाह्य मुक्त, कर्म में बाह्य मुक्त, सुबह से लेकर रात तक मौन कहाँ है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो मेथड है साइलेंस, क्योंकि बोल से सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। मेन दो ही चीज है, काम विकार जो ऊर्जा को नष्ट करता है, और दूसरा बोलना, तीसरा भोजन। काम इन तीन तलों पर करना है। पर धीरे धीरे, वैसे तो चार तल है, चार स्टेजेस है, चारों को धीरे धीरे जीतना है। शुरुआत ब्रह्मचर्य से, दूसरा भोजन, ये दो जब हो गए तो फिर तीसरे में प्रवेश करेंगे बोल, और जब बोल का भी हो गया तो चौथे में प्रवेश करेंगे नींद, और धीरे धीरे ये चारों हमारे वश में होंगे और हमारा समय व्यर्थ में नहीं जाएगा, फिर बुद्धि के उत्कर्ष में, विकास में, उसे ऊंचा रखने में। नीचे जाते ही बंधन है, नीचे जाते ही गंदगी है। दीज आर द फोर स्टेजेस। नींद को छोड़े रखो, अभी नींद पर कोई प्रयोग नहीं करो। नींद को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नींद परिणाम है लास्ट। इवन बोल बहुत कठिन है, इसलिए उसको थोड़ा और पीछे रखो। ब्रह्मचर्य फर्स्ट, फूड फर्स्ट। तो इस मुरली की तरफ आते बाबा किससे मिल रहे? मधुबन निवासी से। जो चार्ट अभी हमने देखा और जो बच्चों को स्कूल में दिया जाता है, बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव चार्ट्स दिए जाते हैं। इस मुरली में ढेर सारे सामान हैं, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें एक 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 डालते जाओ। माय नेम इज पद्मा पदम भाग्यशाली। बाप दादा किससे मिल रहे? ऐसी आत्माओं से जो भाग्यशाली है, जो मधुबन में रहते हैं। और मधुबन अर्थात पांडव भवन नहीं, केवल मधुबन ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है, ये यहां से वहां तक जो चालू होता है वो मधुबन। मधुबन केवल भौगोलिक स्थान नहीं, यहां से यहां तक ये मधुबन है तो वो मधुबन है, ये मधुबन है। मधुबन 188 मुरलियां हो गई आज दिन तक, 188 हो गई। आशीष भाई 188 मुरलियां आप पढ़ चुके हो। और हर मुरली एक नई टेक्निक से पढ़नी है ताकि बोर ना हो जाए। तो माय नेम इज पद्मा पदम भाग्यशाली। आई एम, अगला सामान है मुरली में महान आत्मा। तो जब तुम महान आत्मा हो तो तुम्हारे हर संकल्प महान हो, तुम्हारा हर कर्म महान हो, हर संकल्प महान, हर कर्म महान। तुम्हारे ही कर्मों का क्या गायन है? कर्म किस रूप में पूजे जाएंगे? चरित्र के रूप में। ये सारी साधना मेंटल साधना है, माइंड के तल पर है। कर्म तो परिणाम है, परिधि पर है। एक सर्कल अगर बनाए तो उसके केंद्र पर मैं हूं और विचार है और संकल्प है, उसके परिणाम सर्कमफरेंस दी ऑर्बिट वो सब कुछ है। ऑर्बिट पर काम नहीं करना है, सर्कमफरेंस पर काम नहीं करना है, परिधि पर काम नहीं करना है। काम किस पर करना है? संकल्प पर। संकल्प पर काम करते करते अपने आप सब कुछ होगा।
बोल पर भी काम नहीं करना है कि मैं ये बोलू या वो बोलू, क्योंकि जब ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा तो वैसा बोलते हैं क्या? निकलता तो वही है जो भीतर है। इसलिए वर्क एट द लेवल ऑफ माइंड, इट्स अ मेंटल टास्क। थॉट क्राइम्स, थॉट क्राइम क्या होते हैं? अपराध, संकल्पों के तल पर होने वाले अपराध। सो आई एम पद्मा पदम भाग्यशाली, माय नेम इज पद्मा पदम भाग्यशाली, आई एम महान आत्मा। कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, हमें तो पता ही नहीं अपनी महानता के बारे में, सामने वाला कह रहा है और जो कह रहा है उसे सब कुछ पता है। वो हमारे केवल इस जन्म को नहीं हर जन्म को जानता है, वो भृगु ऋषि है। भृगु ऋषि कौन था शास्त्रों में, जिसने ये सारा ज्योतिष शास्त्र बनाया सब कुछ, और उसने हमें भी ज्योतिषी बना दिया। दूसरी मुरली उसके ऊपर है। और हमसे बड़ा ज्योतिषी संसार में और कोई नहीं, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी, हम सब कुछ जानते हैं। और उस मुरली में बाबा ने कहा है, तुम अपनी राशि खुद लिखो, अपनी दशा तुम खुद लिखो, यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। उस दिन कविता सुनाई थी, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां विकराल है, मेरा सिर लहूलुहान है परंतु झुका नहीं, अनबाउड। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, मैं महानायक हूं अपने जीवन का। आई विल डिसाइड, मैं लिखता हूं जो मुझे लिखना है। तो ये आइडेंटिटी कार्ड है, ऑल अबाउट मी, इसको याद कर लेना है आज। आई एम पद्मा पदम भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, लक मेरे साथ चल रहा है। लक के लॉक की है लव, मास्टर की बुद्धि को खोलने का ताला है लव। दूसरा, माय नेम इज महान आत्मा, तो हर चीज महान है, आई एम महान आत्मा। तीसरा, मेरे तीन रूप, माय थ्री फॉर्म्स, कौन कौन से तीन है इसमें? पहला हर्षित मुख, दूसरा आकर्षण मुरली बंद कर दो, और तीसरा अव्यक्त मुक्त। डायरी मुरली की बुक्स बंद। हर्षित सदा खुश, बच्चा पूछता है ज्योतिषी से मेरी शादी कब होगी, ज्योतिषी कहता है कभी नहीं, वो कहता है क्यों, कहता है क्योंकि तुम्हारे भाग्य में सदा खुश रहना लिखा हुआ है। हर्षित मुख, हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त, तो ये मेरे त्रिमूर्त फॉर्म, त्रिमूर्त, त्रिमूर्त, त्रिमूर्ति। हर्षित सदा खुश, सदा ही खुश, कोई कारण ही नहीं है जो मुझे दुखी करे, दुख की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे आके पछाड़ दे, ऐसा दुख संसार में पैदा ही नहीं हुआ है मंजू बहन, कौन सा जो मुझे दुखी करे, ऐसी परिस्थिति नहीं है कोई। दूसरी मुरली में पूछा है ज्योतिषी वाली, रूहानी ड्रिल, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, जब चाहो तहां अपने आप को मोड़ सकते हो, प्रकृति की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, तुम अंगद हो, ये दूसरी मुरली में है।
ग्रीक का एक महान एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी तारों की स्टडी करते करते चल रहा था। रात अंधेरी थी और चलते चलते वो राज ज्योतिषी था, साधारण नहीं, राज रॉयल, जो राजाओं के राज्य में राजभवन में निवास करता था। वो चलते चलते एक बार एक गड्ढे में गिर गया और फिर वहां से गड्ढा गहरा था, चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसे दिखा नहीं, वहां से एक बूढ़ी माता जा रही थी, उसने आवाज सुनी, देखा और उस पकड़कर उसको निकाला। उसने बहुत धन्यवाद दिया उस बूढ़ी माता को और कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शायद आप मुझे जानते नहीं हो, आई एम द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, मैं राजा के यहाँ हूं, अगर तुमको तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ पता करना है तो फ्री में, अदरवाइज आई डोंट गिव फ्री अपॉइंटमेंट्स, चार्जेस आर वेरी हाई, पर चाहो तो मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं। वो कहती है दो पैर पैरों के सामने गड्ढा, ये तुम देख नहीं सकते, मेरा भविष्य देखोगे, रखो अपना भविष्य अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा भविष्य, हम अपना भविष्य खुद लिखने वाले हैं। कि जाते हैं कोई कोई यहां पर बैठी हुई माता है ज्योतिषी के पास हाथ दिखवाने, देखो भाई क्या है, दिखाते हैं ना, जाते तो होंगे कोई तो कोई, कौन कौन जाता है, कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा पहले जाते थे भविष्य देखने के लिए, क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये होगा कि नहीं होगा गए तो नहीं थे, पर कुंडलियां बहुत निकाली थी तो ये मेरे तीन रूप है, हर्षित मुख, सदा खुश, सदा हर्षित, कोई दुख नहीं, किसी भी तरह का दुख नहीं, किसी में इतना साहस नहीं जो मुझे दुखी कर सके। माइकलाल माइकलाली दूसरा आकर्षण मूर्त, तीसरा व्यक्त मूर्त, माय थ्री फॉर्म, माय फेवरेट सिंबल। कौन सा सिंबल है? शिव बाबा का सिंबल। बाबा ने कहा तुम हो सैंपल, मधुबन निवासी है सैंपल, और तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत सिंपल होना चाहिए, सैंपल सिंपल सिंबल, सैंपल सिंपल सिंबल। तो क्योंकि तुम सैंपल, सैंपल शब्द को हटा दो और लिख दो वहां रोल मॉडल, रोल मॉडल, सैंपल अर्थात रोल मॉडल, यू आर योर ओन रोल मॉडल, कोई और हमारा रोल मॉडल नहीं है, हम ही अपने रोल मॉडल है। तो मेरा सिंपल पुरुषार्थ क्या है? सिंबल को सामने रखो, बाप को सामने रखो, उसके सिंबल को सामने रखो और वास्तव में रखो, सिंबल है ना वो किरणों वाला, शिव बाबा वाला, पढ़ाई करते करते सामने रखना, हो थोड़ी बीच बीच में किरने थोड़ी जाती रहे तो अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं होगा एग्जाम का पढ़ाई का। फेवरेट सिंबल, उसके बाद में पीपल कॉल मी, वो लोग मुझे क्या कहते हैं, माननीय और पूजनीय। बाबा ने कहा वो भक्त तुम्हारे सामने आएंगे, उनको साक्षात्कार होगा, कौन सा साक्षात्कार होगा, उनको खुद ही पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, हम नीच है, हम पापी, हम लोएस्ट है, और ये कितनी पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, किसी को बताना नहीं पड़ता है। राजा का जो वास्तविक राज्य होता है उसे राज्याभिषेक की भी आवश्यकता नहीं है, प्रजा ने उसे पहले ही अपना राजा मान चुकी है, उसमें गुण ही ऐसे है, वो थोड़ी ना कहता है कि मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, राज्याभिषेक की भी आवश्यकता नहीं उसको, वास्तविक राजा को तो छोटा सा है अभी, कुमार ही है, राजकुमार है, परंतु प्रजा ने उसे अपना राजा मान लिया है,
निर्विरोध राजा, तो वो भी तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि संसार के लोग दुखों में हैं, विकारों में डूबे हुए हैं, चाहते हैं निकलना पर मार्ग पता नहीं है। शास्त्र पढ़ रहे हैं, गुरुओं की शरण में जाते हैं, भक्ति करते हैं दिन रात, परंतु निकले कैसे उससे? द ग्रेटेस्ट एडिक्शन, इतने एडिक्शंस में है। तो तुम्हारे सामने आकर तुमको देखते ही उनको लगेगा कि ये हमसे ऊपर है। द स्पिरिचुअल कैलिबर इज हायर, माननीय पूजनीय। उसके बाद अगला क्या लिखा है, ये आई एम ऑलवेज क्या हेल्दी वेल्दी हैप्पी नहीं, मुरली में क्या है? मुरली में क्या है? साजयुक्त और राजयुक्त। मैं क्या हूं? साजयुक्त हूं और राजयुक्त हूं। तुम्हारे हर चीज में राज हो, राज को जानने वाले हो, हर राज को, हर रहस्य को तुम जानने वाले हो, इसलिए कभी नाराज नहीं हो सकते, कभी अपसेट नहीं हो सकते, कभी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। यू विल नेवर गो इन डिस्पोंडेंसी, डिस्पेयर, डोल्ड्रम्स, नथिंग कैन टच यू, सॉरो, सफरिंग, मिजरी, पेन, नथिंग। ये ज्ञान ऐसा है, अगर निरंतर ज्ञान में खुद को डुबो के रखोगे तो संसार के दुख तुम्हें टच नहीं कर सकते। नहीं तो मनुष्य का मन संवेदनशील है, रिसेप्टिव है, तुरंत दुख को ग्रहण कर लेता है। किसी ने कुछ बोला, उदास, किसी ने गलत व्यवहार किया, दो दिन तक मुंह लटका हुआ, ऊपर नहीं, इच्छा नहीं होती है, किसी से बात करना बंद। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भावुक स्वभाव। कौन है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन? HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, भावुक स्वभाव, सेंसिटिव माइंड। यहां तो किस पर चलना है? कांटों पर, कटीले रास्ते पर, अग्निपथ है, अग्निपथ, 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 या रोने वाले छुई मुई टिक नहीं सकेंगे, चिकनागढ़ा भव स्ट्रॉन्ग। रोते रहने वालों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, भगवान क्या कह रहा है वो तो भूल गए। भगवान कह रहा है तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, तुम महान आत्मा हो, तुम हर्षित मुख हो, तुम आकर्षण मूर्त हो, तुम अव्यक्त मूर्त हो, तुम साजयुक्त हो, तुम राजयुक्त हो, तुम लास्ट आई एम लकी, मोस्ट लकी स्टार, सफलता मूर्त हो, लवली हो, लव देने वाले हो, महादानी हो, लेन देन इसकी करो ब्राह्मण परिवार में, किसकी? प्रेम की, स्नेह की। तो ये मधुबन निवासियों पर मुरली है। बाबा ने याद दिलाया तुम किस स्थान पर हो, इस स्थान की महिमा तुम्हारी वजह से। मधुबन महान क्यों है? क्योंकि मधुबन निवासी महान है, इसलिए मधुबन महान है। और मधुबन की परिभाषा, मधुबन हर वो स्थान मधुबन है जहां पर प्रभु प्रेम है, हर वो स्थान मधुबन है जहां बाबा की याद है, हर वो मन मधुबन है जहां पर मुरली मुरली गूंज रही है। मन ही मधुबन है, मन के मधुबन में उसको याद करो। धुन एक ही लगी है, धुन धुन धुन। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में नहीं हूं, योगी के हृदय में नहीं हूं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, जो भक्त मेरी याद में है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां हूं। तो भगवान कहां निवास करते हैं? मन में निवास करते हैं।
जहां मन मधुबन बन गया है। मधुबन केवल ये चार धाम, यहां आना, यहां घूमना, चार धाम की यात्रा करना, ये नहीं है। मधुबन तो यहां है। गर्भगृह, मंदिर के अंदर क्या होता है, एक गर्भगृह, अंदर का जो स्थान होता है ना, जहां अंदर मूर्ति होती है, सैक्रोसैंक्ट कहते हैं इंग्लिश में उसको, सैक्रोसैंक्ट, पवित्रते से, पवित्र से, पवित्र में भी पवित्र स्थान, सैक्रोसैंक्ट, द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट प्लेस। तो अपने आप को महान समानों से फीड करना है, महान विचारों का पोषण इसको देना है। एकांत में बैठो और सोचो, मैं मधुबन निवासी हूं। इसका संबंध मधुबन में रहने से नहीं है, मैं हूं। भगवान ने धरती पर आकर जिस स्थान पर अवतरण लिया, उस स्थान का नाम है मधुबन। मधुबन क्या है? तो आज का होमवर्क नंबर 1, मधुबन के 1000 नाम लिखने हैं। कितने? 1000, ज्यादा भी लिख सकते हैं अगर टाइम हो तो आशीष भाई, पर 1000 तो मिनिमम। मधुबन है विशाल भवन, मधुबन है सुखधाम, मधुबन है पांडव भवन, मधुबन है ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर, मधुबन है मधुर भूमि, मधुबन है एयरपोर्ट, मधुबन हिल स्टेशन, मधुबन है रेलवे स्टेशन, मधुबन है टीवी स्टेशन, मधुबन है दिलवाड़ा, मधुबन है ग्लोबल हॉस्पिटल, मधुबन है शांतिवन, मधुबन ज्ञान सरोवर, मधुबन है गुरु शिखर, मधुबन है अचलगढ़, मधुबन है लाइट हाउस, मधुबन है माइट हाउस, मधुबन है सुखधाम हो गया, मधुबन है इंद्रप्रस्थ दिव्य धाम, जितने बिल्डिंग्स है और जिस जिस बिल्डिंग का जो जो नाम है वो मधुबन है। शांतिवन की सारी बिल्डिंग्स, पांडव भवन की सारी बिल्डिंग, ज्ञान सरोवर की, मधुबन है हारमोनी हॉल, मधुबन है म्यूजियम, आध्यात्मिक म्यूजियम, मधुबन है वरदानी भवन, पीस पार्क, मधुबन है डायमंड हॉल, मधुबन है डायमंड हाउस, मधुबन है ओम शांति भवन, जितने नाम, मधुबन है हरिद्वार, मधुबन है तीर्थ स्थान, मधुबन है बेहद का धोबी घाट, मधुबन है रिसेप्शन, मधुबन है असंख्य है शिवालय, जितने बोलो उतने नाम आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो कम से कम 1000 नेम्स, 1000 भी कम है, ज्यादा बोलना चाहिए, पर ठीक है आज कम बताते हैं, अगली बार थोड़े बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला काम, तो मैं मधुबन निवासी हूं, तो ऑल अबाउट मी, मैं कौन हूं? पद्मा पदम भाग्यशाली, मैं कौन हूं? महान आत्मा, हर कर्म महान, हर कर्म चरित्र जिसकी पूजा हो, तीन रूप मेरे, हर्षित, सदा खुश। फेवरेट सिंबल शिव बाबा, शिव बाबा के अतिरिक्त तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब भटकाने वाले हैं। उस दिन की मुरली, सब गिराने वाले हैं, सब ठुकराने वाले हैं, अटकाने वाले हैं, लटकाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। God alone is real, all else is unreal. God alone is real, all else is unreal. केवल वही सत्य है, वही सुंदर है, उसके अतिरिक्त सौंदर्य और किसी का भी नहीं है। उसका सौंदर्य तुम्हें मोहित करे, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उसको देखो, उसको निहारो, उसकी यादों में खो जाओ, वही सुंदर है, वही सत्य है, वही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, द हाईएस्ट। अगला, लोग सिंबल ये है, और लोग मुझे क्या बुलाते हैं? माननीय और पूजनीय। आई एम राजयुक्त और साजयुक्त, साज अर्थात संगीत, संगीत, गीत, रिदम, म्यूजिक। यू हैव टू बिकम पोएटिक,
पोएटिक होना और पोएट होना अलग अलग चीजें हैं। काव्यपूर्ण होना और कवि होना, कवि सब नहीं हो सकते, परंतु काव्यपूर्ण सभी हो सकते। एवरीवन कैन बिकम पोएटिक, सो बिकम पोएटिक, बिकम अ म्यूजिशियन, बिकम अ सिंगर, बिकम अ डांसर। भगवान ने जिस धर्म की स्थापना की है वो धर्म कौन सा है? द रिलीजन ऑफ डांस, द रिलीजन ऑफ म्यूजिक, द रिलीजन ऑफ सॉन्ग्स। अच्छा रिलीजन है ना। अगला, आई एम मोस्ट लकी, स्टार, फॉर्चुनेट, लवली, सफलतामूर्त, महादानी, कई सारे शब्द है। तो ये थी पहली मुरली। तो इसको आज इस मेथड से जो डायग्राम दिखाए हैं, ये इसमें से कोई भी डायग्राम आप उठाओ उसमें डालना ही है, ठीक है? ये डायग्राम बनाओ, अपना फोटो डालना है तो डाल दो, हाथ से बनाया हुआ सेल्फ मेड स्केच, ये फर्स्ट, ये सेकंड, बहुत सारे सैंपल्स मॉडल्स है इसमें, कोई भी यूज करो, ये सब हम ग्रुप में डाल देंगे इस तरह से, ठीक है? तो ये फर्स्ट मेथड। अभी आते हैं दूसरी मुरली की तरफ। तो दूसरी मुरली कौन सी है? जन्मपत्री, एस्ट्रोलॉजर। तो तुम कौन हो? यू आर द डिवाइन एस्ट्रोलॉजर, डिवाइन एस्ट्रोलॉजर से हम, ज्योतिषी हम खुद ही है, हम ही भृगु ऋषि है। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी किसी राज्य के मंत्री के लिए कि ये प्रधानमंत्री जो है ये मर जाएगा 2 दिन में, और वो मर गया। और राजा को एकदम भय लग गया, चिंता हो गई कि ये ज्योतिषी तो खतरनाक है, पता नहीं कल मेरे बारे में कुछ बोल दे, क्योंकि इसने बोला और उसका ये विश्वास था कि इसके बोलने की वजह से नहीं मरा है वो प्रधानमंत्री। वो मरा इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने सुन लिया उस मंत्री ने, और वो बात उसके अंदर घुस गई कि मैं मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। और जैसे वो समय नजदीक आते गया वो मर गया। तो इट इज मोर बिकॉज ऑफ द हिप्नोसिस एंड द मेस्मराइजेशन रादर देन द प्रोफेसी। इसलिए राजा कहता है इस मंत्री को, इस ज्योतिषी को पकड़ के इसको जेल में डाल दो। ज्योतिषी कहते हैं आखिर मेरा अपराध क्या है? अपराध, राजा सुनाता है ये तुम्हारी भविष्यवाणी की वजह से नहीं हुआ, वो तुम्हारे बोल दे मेस्मराइज्ड हिम, सम्मोहन कर दिया और उसके वजह से मर गया। भविष्य ज्योतिषी कहता है जाने से पहले मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। राजा कहता है बिल्कुल मत बोलना, लेके जाओ तुरंत। वो कहता है बोलूंगा तो मैं। राजा कहते हैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। काल कोठरी अर्थात नो फूड नो वाटर नो लाइट, काल कोठरी अर्थात नो फूड नो वाटर नो लाइट, अंधेरी कोठरी। ज्योतिषी कहता है सोच लो, मेरे मरने के 3 दिन बाद तुम मरोगे, सजा कैंसल। और ज्यादा आओ भगत, उसकी विशेष सेवा, एक सेवाधारी विशेष। ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गया तो 3 दिन बाद मैं गया, और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि प्रमाण है। तो ज्योतिषी भी कैसे है हम, चतुर सुजान, बुद्धिमान ज्योतिषी। तो इस मुरली में बाबा ने शुरुआत तो कहीं और से की है, शुरुआत रूहानी ड्रिल से की है। शुरुआत में अंगद की तुलना की है, प्रकृति और परिस्थितियां, तुम अंगद समान अजल अडोल हो, वगैरह वगैरह की चर्चा आई है। और फिर इस पर आ गए, तो तुम्हारी तिथि क्या है, तारीख क्या है? तारीख को क्या शब्द बोला है मुरली में? तिथि, तिथि और तारीख कौन सी? ये प्रश्न है, आपको उत्तर देने हैं। कौन सी तारीख में तुम्हारा जन्म हुआ है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, राम के लिए गायन है ना, तेही काल नाति शीत नाति घामा, तेही काल जगत विश्रामा, तब राम का आगमन हुआ, वे प्रसन्त सुरदेन वित प्रभु दरिविध शरीरा, तब राम आते हैं। तो जो भी महान आत्माएं जन्म लेती है, सारे नक्षत्र तारे सब अलग अलग सब कुछ हो जाता है, दूर से पता चल जाता है लोगों को कि कोई तो आने वाला है। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, 3 ज्योतिषी 3 अलग अलग दिशाओं से आते हैं ढूंढते हुए कि कोई तो एक महान एक स्टार आने वाला है इस संसार में। वो तीनों
एक जगह आते हैं, वैसे ही असित मुनि आते हैं उधर से अपनी तपस्या छोड़कर शुद्धोदन के दरबार में और कहते हैं कि वो जो छोटा सा बालक है उसके चरणों में सिर रख के रोने लगते हैं असित मुनि। कहते तुम क्यों रो रहे हो और इसकी क्यों पूजा कर रहे हो? वो कहते कुछ ये महान, इसके पूरे शरीर में वो 36 लक्षण है, पूरे चक्र है अलग अलग, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जब बुद्ध बनेगा तो मैं नहीं रोऊंगा इसलिए मैं ये कर रहा हूं। चाहे जो भी कर लो राजन, तुम्हारा पुत्र सन्यासी ही बनेगा, जो करना है कर लो जो तुमको करना है कर लो तो जो महान आत्माएं होती है उनकी तारीख, तिथि तारीख फिक्स्ड होती है, ऐसे किसी भी डेट में नहीं आ जाते हो। फिर समय, किस समय में जन्म हुआ है, इसको बाबा ने कहा इस मुरली में वेला, इसको कहा है तिथि। राशि, कौन सी राशि, वो राशि है ना 12 जोड़ियक साइंस, लायन क्या क्या है, वो हिंदी में भी है, मीन कन्या, वो सारे 12 है हिंदी और इंग्लिश, और उसकी डेट्स है उसमें वो नाम के साथ। फिर दशा कौन सी है, कुल कौन सा है तुम्हारा, पोजीशन, इसको पोजीशन को बाबा ने मुरली में शब्द प्रयोग किया है स्थिति। फिर क्या लिखा है, संपत्ति, धर्म, बुद्धि की लाइन, ये एक्स्ट्रा है, और रेखा। तो अब बताओ क्या क्या है, मुरली पढ़ी है ना सबने, तारीख कब जन्म लिया, अरे तारीख बताओ ना, बाप के अवतरण की जो तारीख है जो बाप की तारीख वो तुम्हारी तारीख, जो बाप का अवतरण का की तारीख वो तुम्हारी तारीख, बाप का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन, भगवान आए उस समय तुम भी आए, और उसका भी तिथि तारीख नहीं है वैसे तो तो वो तारीख है। समय, संगम का ब्रह्म मुहूर्त, जन्म कब लिया है, संगम के ब्रह्म मुहूर्त में तुमने जन्म लिया है। तीसरा, राशि, इस मुरली में 3 राशियां बताई है, एक महारथी, घुड़सवार और प्यादे, पर किसी और मुरली में बाबा ने कहा है बाप समान विश्व कल्याणकारी, ये तुम्हारी राशि है। राशि क्या है, विश्व कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाले। दशा कौन सी है, बृहस्पति की दशा, सतगुरुवार की दशा, तो राहु की दशा और वो बाकी दशा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कुल, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट ईश्वरीय कुल, पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान, संपत्ति अखूट अविनाशी, धर्म ब्राह्मण चोटी, बुद्धि की लाइन क्लियर त्रिकालदर्शी, कर्म रेखा निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी। ये किसी और मुरली के पॉइंट्स है। तो सबसे पहला बताया तारीख, जो बाप की जन्म तारीख वो तुम्हारी जन्म तारीख, जन्म का समय संगम का ब्रह्म मुहूर्त, राशि कौन सी राशि है तुम्हारी, विश्व कल्याणकारी, ये तुम्हारी राशि है। तुम किसी एक के कल्याण के लिए नहीं आए हो, जगत के कल्याण के लिए आए हो। माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है मैं भारत के लिए नहीं आया हूं, किसके लिए आया हूं, विश्व के लिए आया हूं। माई इंटरेस्ट आर नॉट नेशनल बट इंटरनेशनल, किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक सेंटर के लिए नहीं, किसी एक गांव के लिए नहीं, किसी एक राज्य के लिए नहीं, किसी देश के, संपूर्ण सकल विश्व के लिए। इसके लिए निरंतर विश्व की आत्माओं का चिंतन करते रहो, सोचते रहो कितने संसार दुखी है और हम क्या कर रहे हैं। अगला, दशा कौन सी है, सद्गुरुवार की दशा। एक ज्योतिष महात्मा बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं मैं, वो एक्चुअली एक समुद्र के तट से जा रहा होता है तो पैरों के निशान दिखते हैं और वो पूरे जीवन भर एक
चक्रवर्ती सम्राट को ढूंढ रहा होता है, उसके ऐसे 36 लक्षण होते हैं जो कि पांव में दिखाई देते हैं, तो वो पांव देखता है समुद्र के तट पर, तो वो कहता है ये पांव के निशान तो चक्रवर्ती के है, और इतने साधारण समुद्र के तट पर ये निशान कैसे हो सकते हैं। वो पांव को ट्रेस करते 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 पहुंचता है तो बुद्ध विहार होता है जहां महात्मा बुद्ध बैठे हुए, और वो उनके पास जाता है और कहता है मुझे आपके पांव देखने, और पांव देखकर कहता है या तो मेरा ज्ञान झूठा है या मैं स्वप्न में हूं, ये कैसे हो सकता है कि ये पांव तो चक्रवर्ती के है और आप तो सन्यासी हो भिक्षु को, ये हो ही नहीं सकता, आप बताओ थोड़ा ज्ञान दो मुझे, आप कौन हो, आर यू अ चक्रवर्ती सम्राट। वो कहता है मैं चक्रवर्ती नहीं हूं। फिर आप कौन हो, कोई देह हो कोई गंधर्व हो। बुद्ध कहते हैं मैं ना देह हूं ना गंधर्व हूं, कौन हो, किसके राजे हो, कहां के राजा हो, कोई हेड हो किसी इंस्टीट्यूशन के। वो कहता है मैं ना हेड हूं ना मैं राजा हूं ना मैं कुछ हूं, तो हो कौन। वो कहते हैं आई एम अवेयरनेस, दैट्स इट, आई एम द एनलाइटेंड वन बुद्ध। बुद्ध शब्द किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध स्थिति का नाम है। द एनलाइटेंड स्टेट इज कॉल्ड बुद्ध। मैं अवेयरनेस हूं, बोधि को प्राप्त जो करता है वो बुद्ध। तो ये रियल परिचय है। कुंडलिनी जागरण कहो या बुद्ध अवस्था कहो या महावीर कहो या ईश्वर पुत्र कहो या पयंबर पैगंबर कहो, वो सब हम ही है। भगवान ने हमें इतना ऊंचा बना दिया है। तो हमारी कुल क्या है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल। पोजीशन क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान। संपत्ति कैसी है हमारे पास, अखूट अखंड अविनाशी संपत्ति है। धर्म कौन सा है हमारा, ब्राह्मण चोटी। बुद्धि की लाइन क्लियर अविनाशी। और कर्म रेखा कैसी है, इस मुरली में भी कहा टूटने वाली नहीं है, सीधी स्पष्ट निरंतर कर्मयोगी सहज योगी राजयोगी। एक मुरली थी 2016 में आई थी, साकार मुरली का वरदान 26 जनवरी 2016 की। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल बनो। दिन प्रतिदिन याद की और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। आज क्या घटनाएं घटने वाली है, आज दोपहर में सो जाऊंगा शाम के नुमा शाम में सो जाऊंगा, क्या होने वाला है सब पहले ही पता है। कौन सी माया आने वाली है, कौन व्यक्ति माया बनकर आने वाला है, जिसे मित्र समझा था पता नहीं आज वो शाम को 4 बजे दुश्मन बनने वाला है, नो आइडिया। तो वो क्या हो जाएगा, पहले ही पता चलेगा। इसी मुरली में बाबा ने कहा है महीनता में जाओ, जितना महीन होंगे उतना क्या होगा, महावीर बनेंगे, और जितने महावीर बनेंगे उतने ही महानता। महीनता, महावीरता और महानता। महीन अर्थात सूक्ष्म हो जाए बुद्धि, परख ले जान ले सामने वाले जो आ रहे हैं उसको हम समझ सके ये कौन लोग है। जो हम सोच रहे मित्र बनकर आ रहे हैं वो शायद मित्र है ही नहीं, जो हम समझ रहे ये मेरा दुश्मन है पर वो दुश्मन नहीं मित्र है, माननीय और भी एक जोड़ा है उसमें, माननीय भी बन जाओगे। एम 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 तो ये है दूसरी मुरली। व्यक्ति ज्योतिषी से पूछता है कि मेरे जीवन में ये दुख है इसका क्या है, ज्योतिषी सारा देखता है और कहता है 60 वर्ष तक तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, 60 वर्ष तक तुम्हारे जीवन में सुख की कोई किरण नहीं है, दुख ही दुख है, विपदा ही विपदा, आपदा ही आपदा, कोई जाएगा कोई मरेगा कोई धोखा देगा कुछ होगा कुछ होगा। वो कहता है कम से कम 60 साल के बाद तो सुख है ना। वो कहता है ना, तब तक तुमको आदत पड़ जाएगी फिर किसकी
दुखी सुख तो है ही नहीं, तो हमें किसी और के पास जाकर अपने हाथ दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और के पास जाके काउंसलिंग सेशंस लेने की आवश्यकता नहीं कि तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ मैं क्या करूं। हमारी बीमारी के बारे में हमको ज्यादा पता है या दूसरों को ज्यादा? पेशेंट आता है डॉक्टर को खुद बताता है ना, और वो भी चार बातें बताता है, छह तो भूल जाता है हमेशा, बाहर जाने के बाद याद आती है उसको कि वो घुटने का दर्द तो बताया नहीं, वो पीठ का दर्द तो बताया नहीं, और ये जो यहाँ खुजली आती है और यहाँ जो दाग पड़ गए उसका भी कुछ करो, वो तो बाद में याद आता है। तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो आज इन दो मुरलियों की स्टडी करेंगे, और आज टेस्ट कौन सी मुरली पर है? तो केवल तीन ही मुरली पढ़नी है, और बाकी साकार मुरली तो है ही आशीष भाई, और वो भी नवीनता से, और होमवर्क तो कंपलसरी है ही 1000 नाम। तो आज का होमवर्क नंबर 1 मधुबन के कितने नाम? 1000 नाम, 14-4 पर टेस्ट है आज। तो मधुबन के होमवर्क नंबर 1 1000 नाम, होमवर्क नंबर 2 ऑल अबाउट मी का वो जो चार्ट है, जो डायग्राम है वो निकालना है, होमवर्क नंबर 3 ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री जो बताई, ये वाली अभी जो बताई उसको लिखना है। तो ये 3 काम आज करने हैं। कविता सुनानी है, आ जाओ प्रतिष्ठा, आ जाओ। कुछ दिनों से, और ये जो है इसमें आज जिन्होंने नहीं डाला वो लिखेंगे, डालेंगे, हर दिन डालना है, मुझे बाबा से प्यार है क्यों, आ जाओ इधर प्रतिष्ठा। कुछ दिनों से जिंदगी क्यों मुझे पहचानती, बेवफा वो राह में जो टकरा गया फिर कही, उसको साफ कह दूंगी मैं तुझे। कौन सी? हाँ कौन सी? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अच्छी कविता, यही सुना दो। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, सरती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सहज भरता है, साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ वो लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, नहीं ये भूल दिया, बढ़ता दुमना उत्साह उसका इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नीच चैन को त्याग, तुम संघर्ष के मैदान से मत भागो, तुम संघर्ष के मैदान से मत भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कुछ दिनों से।